हेलो दोस्तों एंड वेलकम, आप देख रहे हैं देसी मिसी को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस हाउस डिजाइन को पूरे डिटेल के साथ देखेंगे जिसकी डायमेंशन है 16x20 फीट। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था इस डिजाइन को बनाने के लिए, उसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इस घर को डिजाइन किया है, जहाँ पे दोस्तों 1BHK आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने सिर्फ सिंगल फ्लोर को डिजाइन किया हुआ, यहाँ पे आपको स्टेयर नहीं मिलेगा फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। दोस्तों अगर आप भी अपने लिए हाउस को डिजाइन करवाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी, एलिवेशन पसंद आ रही होगी, जरूर इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ से आप किसी भी फ्रेम फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, हमेशा की तरह दोस्तों डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके आप इस फ्रेम फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप एक्सटीरियर भी देख रहे होंगे जो कि काफी खूबसूरत है, इसी तरह दोस्तों मैंने इसके इंटीरियर भी काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को पॉज करके इस प्लान को अच्छे से देख लीजिए, इस प्लान को वॉक थ्रू के जरिए हम लोग कंप्लीट इसका इंटीरियर व्यू को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहां से घर के अंदर चलेंगे और कंप्लीट इसका इंटीरियर व्यू को देखेंगे। जैसे कि दोस्तों आप एलिवेशन देख रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत लग रही है। दोस्तों सिंगल फ्लोर में एलिवेशन को अच्छे तरीके से डिजाइन करना काबिले तारीफ होती है, जो कि मैंने किया हुआ है। आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी। मेन एंट्रेंस से दोस्तों अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पे स्मॉल सा वारंडा मिल जाएगा, देन इसी वारंडा से दोस्तों आपको यहाँ पे एंट्रेंस मिल जाएगा घर में जाने के लिए। घर में इंटर होते ही दोस्तों सबसे पहले यहाँ आपको स्मॉल सा लॉबी मिल जाएगा, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ मैंने सेटअप नहीं किया हुआ दोस्तों, बट आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हर चीज़ों को अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। देन इसी लॉबी से दोस्तों आपको लेफ्ट साइड की ओर यहाँ पे छोटा सा स्पेस मिल जाएगा, जहाँ पे आप डाइनिंग टेबल वगैरह लगा सकते हैं 2 चेयर का। इसी डाइनिंग टेबल के जस्ट बगल में दोस्तों आपको फ्रंट साइड की ओर यहाँ पे किचन मिल जाएगा, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। दोस्तों काफी छोटा सा स्पेस है, फिर भी मैंने काफी अच्छे तरीके से डिजाइन करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी। इस किचन में दोस्तों यहाँ पे सामने की ओर आपको यहाँ पे विंडो मिल जाती है, जहाँ से आपकी वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से हो सके। इस किचन में दोस्तों मैंने यहाँ पे फ्लोर टाइल्स का यूज किया हुआ, देन वॉल पे मार्बल टाइल्स का यूज किया हुआ है। बाकी बात किचन में दोस्तों हर एक वो चीज आपको मिल जाएगी जो किचन में होना चाहिए, जैसे कि गैस स्टोव मिल जाएगी, वॉश बेसन मिल जाएगी, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। एक्चुअली आपको यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, ताकि आप डिनर वगैरह बना भी सकते हैं और यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे खा भी सकते हैं। इसी लॉबी से दोस्तों यहाँ पे बैक साइड की ओर आपको वॉशरूम मिल जाती है, तो चलिए हम लोग वॉशरूम को भी देख लेते हैं। ये रहा आपका स्मॉल सा वॉशरूम दोस्तों, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे पैन भी फिट किया हुआ, शावर भी फिट किया हुआ, इसके बावजूद भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे दोस्तों आप वॉश बेसिन भी फिट कर सकते हैं। इस वॉशरूम में दोस्तों यहाँ पे बैक साइड की ओर आपको विंडो मिल जाती है, जहाँ से आपकी वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से हो सके। दोस्तों मैंने यहाँ पे फ्लोर टाइल्स का यूज़ किया हुआ, देन वॉल पर वॉल टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। तो चलिए इस वॉशरूम से निकल कर दोस्तों हम लोग बेडरूम को देख लेते हैं। ये रहा आपका बेडरूम दोस्तों, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों मैंने यहाँ पे बेड भी लगाया हुआ, कबर्ड भी लगाया हुआ, इसके बावजूद भी आपको अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल रही होगी। दोस्तों कलरिंग टेक्सचरिंग वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बैक साइड में आपको यहाँ पर बड़ी साइड में विंडो भी मिल जाती है, जहाँ से आपकी वेंटिलेशन वगैरह, सूरज की रोशनी वगैरह प्रॉपर तरीके से रूम में पहुँच सके। बाकी बात दोस्तों ये आपका बेडरूम का डिज़ाइन।
तो चलिए इस बेडरूम से निकल कर दोस्तों हम लोग लॉबी में चले आते हैं। इस लॉबी में दोस्तों यहाँ पे सामने की ओर यहाँ पे बड़ी साइज में आपको विंडो भी मिल जाती है, जहाँ से आपकी लॉबी में भी वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से हो सके। तो ये था डिज़ाइन दोस्तों 16x20 फीट का। आई होप कि आपको पसंद आई होगी दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी, डिज़ाइन पसंद आई होगी, जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की कॉन्टेंट मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।